स्वामी जी प्रणाम जी। स्वामी जी मैं हरियाणा से आया हूँ बहादुरगढ़ से, और आप कथा हम करीब एक साल भर से सुन रहा हूँ। हमारे एक हम वहाँ पर हनुमान जी के मंदिर के पुजारी हैं। अच्छा। और करीब आप लोगों के आशीर्वाद से 32 साल के आसपास सेवा कर रहा हूँ। हम और ये दो हैं, ये दोनों हम तो रहते हैं मंदिर में, आते हैं हम लोग, आप कथा जो सुनते हैं वो आपस में डिस्कस करते हैं जी डेली। अच्छा स्वामी जी, मेरा 5 प्रश्न आपसे है जी। हमको सब पता है, कितने भाई बहन हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, सब अपने अपने प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए बैठे हुए हैं, तो हम सूक्ष्म रूप से पूछ रहे हैं, और उत्तर आप चाहे 2 मिनट दो चाहे 5 मिनट दो, उसका उत्तर मैं सुनना चाहता हूँ। बोलिए। एक मेरा जो लास्ट वाला प्रश्न पहले बता दे रहा हूँ मैं, कई कथाकार हमारे पास गए, मैंने उनसे प्रश्न पूछा लेकिन उनको प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए जी, वो तो मैं लास्ट में पूछूंगा, पहले जो मेरा प्रश्न सुन लीजिए आप। पहला प्रश्न मेरा स्वामी जी है, गुरु जी है, कि जीवात्मा और आत्मा में क्या अंतर है, मोक्ष किसका होता है? जीवात्मा और आत्मा दोनों पर्याय हैं। ठीक। लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने आत्मा को जीव अविनाशी जीवात्मा कहा है। जीव और आत्मा ये दोनों एक ही हैं, दो नहीं हैं, पर्यायवाची हैं, चाहे जीव कह लीजिए चाहे जीवात्मा कह लीजिए। ठीक जी। मोक्ष किसका होता है? मोक्ष जो होता है, मोक्ष का अधिकारी है मन। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो जो हमारा मन है वही मोक्ष का अधिकारी, क्योंकि आत्मा तो मोक्ष से और जन्म मृत्यु सबसे परे है। तो जो मन है, कहते हैं ना सब मर गया, शरीर बूढ़ा हो गया, मन बुढ़ा नहीं हुआ। ठीक। तो मन को ही सारा सुख दुख मिलना है। स्वामी, दूसरा प्रश्न मेरा है, मरने के बाद अपने कर्मानुसार, जैसा आप बता चुके हैं, जीव अन्य योनियों में चला जाता है। ठीक है। तो मेरे फिर पितर कैसे होते हैं? पितर ऐसे होते हैं कि जब हमारे पिता के पिता के पिता, जो भी आज धरती पर नहीं है, वो जब यहाँ से मरकर जाते हैं तो सीधा पहले पितृलोक जाते हैं। वहाँ जाने के बाद, जैसे हमने बताया, 13 होने के बाद यमराज जी निर्णय लेते हैं कि अब आप पाप या पुण्य के अनुसार अब कहाँ जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे या अन्य तमाम योनियों में जाएंगे। तो कुछ लोग तो अपने कर्मों के बस किसी भी योनि में चले गए। माना कि हमारे दादाजी परदादा जो भी हैं, कोई शेर बन गया, शेर कर्मों के अनुसार, अब हमने उनके नाम से यहाँ पिंडदान दिया, गया जी में तर्पण किया, जहाँ भी किया, तो हुआ क्या, वो शेर की योनि में जहाँ है, यदि उन्हें कोई कष्ट है, भूखे मर रहे हैं या कोई कष्ट तकलीफ है, तो ये पिंडदान का पुण्य उनको उस योनि में प्राप्त होगा जहाँ वो है, किसी भी योनि, बंदर से लेकर चींटी से लेकर हाथी तक, जहाँ है वो उन्हें, यदि वो मनुष्य बने हैं तो मनुष्य की योनि में उनको प्राप्त हो जाएगा, जहाँ है वहाँ मिलेगा। ठीक है। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं, ट्रेन लेट होने से हमें स्टेशनों में एक वेटिंग रूम बनाया जाता है, वेटिंग हॉल बनाया जाता है, जहाँ ट्रेन लेट हो गई तो आप वेट कर सकते हैं। उसी प्रकार किसी व्यक्ति, हमारे पिता के पिता, किसी के पाप पुण्य का कोई निर्णय किसी कारण ना हो पाए, तो वो पितृलोक में होते हैं, और हम यहाँ से यदि उनके लिए कुछ करते हैं तो उनका उद्धार हो जाता है। जैसे कुछ दिनों के लिए ईश्वर ने ये विधान भी रखा है, नचिकेता को ये बात यमराज जी ने बताई है, नचिकेता के संवाद में ये सब कुछ स्पष्ट है, कि हमारे जाने के बाद ये जरूरी नहीं है कि मरने के तुरंत बाद हमारा पुनर्जन्म हो जाएगा, कहीं भी जरूरी नहीं है। हो सकता है 2 साल तक ना हो सकता है 10 साल तक ना हो, और हो सकता है 100 साल तक हम वेटिंग रूम में इंतजार करें अपने नंबर का। तो उन दिनों यदि हमारे पुत्र कोई तर्पण पिंड दान करता है तो वो हमें प्लस होके, जैसे बच्चे को 33 नंबर में पास होना है परंतु 31 नंबर आए हैं, तो मास्टर जी अपनी तरफ से 2 नंबर दे देते हैं,
दे देते हैं और ग्रेस लगा के पास कर देते हैं। उसी तरह मेरा जरा सा कोई पुण्य रह गया तो उस पुण्य के कारण मुझे वेटिंग रूम में डाल दिया जाएगा कि आपके बच्चे यदि आपके लिए कोई पुण्य करते हैं तो वो पुण्य मिला के फिर आपका मोक्ष या स्वर्ग की प्राप्ति करा दी जाएगी। तो उस इंतजार में हम पितृलोक में रहते हैं, हम बच्चों को कहते हैं पुण्य करो, हमारे नाम से कुछ करो, जब नहीं करते तो वही पितृ फिर नाराज होके उन पर फिर गलत प्रभाव छोड़ने लगते हैं, उसी को पितृ दोष कहते हैं। अगर कोई वेटिंग लिस्ट में ना हुआ हो तो फिर बता चुका मैं कि वो शेर बन गया होगा तो उसको तो रूप में प्राप्त हो जाएगा वो। तो उसकी निमित्त भाव कथा सुनने से क्या फल मिलेगा फिर? किसको? भागवत कथा जो पोथी बाटा सुनते हैं तो क्या फल मिलेगा? आपने देखिए होता क्या है कि आपका कोई अपना आदमी अमेरिका में है और आपने उसके खाते में पैसे डाल दिए तो उसके खाते में तुरंत पहुंच गया कि नहीं। अब वो उस पैसे से शराब पी ले या दूध पी ले या रोटी खा ले या मांस खा ले, आपने तो पैसे भेज दिए, अब वो उसका उपयोग अपने ढंग से करेगा। उसी प्रकार हमने तो पुण्य कर दिया अपने पूर्वजों के लिए, अब वो शेर बने हैं तो उनको मांस मिल जाएगा, गाय बने हैं तो चारा मिल जाएगा, इंसान बने हैं तो 56 भोग मिल जाएगा। ठीक, स्वामी जी मेरा ये अंतिम प्रश्न यह है। हाँ जी, कि आपने भी कई बार बता चुका है, हमने भी कई और संतों सुन चुके हैं और थोड़ा सा जानते भी हैं कि जो हम कर्म पिछले जन्म में किए हैं ठीक है वहाँ हम भोग रहे हैं। हाँ, अच्छा किए हैं तो बुरा किए हैं तो भोग रहे हैं। जब मेरा कर्म पिछले जन्म का समाप्त हो जाएगा तो हमारी जीवन यात्रा से खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ कर क्या रहे हैं, ये प्रश्न मेरा है। हाँ हाँ, आपका प्रश्न बहुत उचित है। ये मैं कर क्या रहा हूँ, हम मारा जा रहा हूँ तो जन्म मारा गया, दशरथ जी को ऐसा कर्म मिला तो जन्म कर मिला, तो हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, हम ये प्रश्न मेरा है। ये देखो इसका नाम ही है कर्म भूमि, है ना, जिसे हम मृत्यु लोक कहते हैं, इसे कर्म भूमि भी कहा जाता है। कुल मिला के हमने जो पिछले जन्म में किया अच्छा या बुरा वो तो हम आज पा रहे हैं, इसीलिए आज आपने देखा होगा सबकी स्थितियां अलग अलग है। हाँ। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई दो दो रोटी को मोहताज है, कोई 56 भोग खा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, ये पिछले जन्म में आपने जो किया था, एक आदमी चावल ही चावल खा रहा है तो किसी ने कहा रोटी भी तो खा, बोले चावल की खेती अभी हुई है सो घर में चावल है, चावल खा रहा हूँ, गेहूँ बो दिया है, जब गेहूँ कटेगा तो रोटियाँ खाऊंगा। तो जो कल किया था वो आज पा रहे हैं, जो आज करेंगे वो आगे पाएंगे। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं। कोई व्यक्ति किसी को जरा सा सुख नहीं देता, जरा सा दुख नहीं देता, प्रत्येक व्यक्ति अपने किए कर्मों का फल भोगता है। यहाँ तक कि राम जी को भी अपने कर्मों के कारण राम बन के आना पड़ा, सीता के पीछे घूमना पड़ा, सीता सीता नारद जी ने श्राप दिया था, उस श्राप के कारण राम जी को आना पड़ा और सीता की खोज करनी पड़ी और हनुमान जी का भी सहारा लेना पड़ा क्योंकि श्राप था। सीता माँ को भी वनवास हुआ इसलिए कि उनको भी श्राप था, एक तोती ने श्राप दिया, पद्म पुराण में कथा है कि सीता जी ने एक तोती को पिंजरे में बंद कर लिया तो तोती तड़प तड़प के मर गई, चूंकि वो गर्भवती थी, कहा था छोड़ दो, सीता जी ने कहा तुम अच्छी कथा सुनाती हो सुनाती रहो, तड़प तड़प के मर गई, तोते ने श्राप दे दिया बद्दुआएं कि जाओ, जैसे हमारी पत्नी को गर्भ अवस्था में आपने हमसे दूर किया, जब आप गर्भवती होंगी तो आपके पति दूर कर देंगे, ये घटना पद्म पुराण में लिखी है। तो सीता जी को भी कर्मों का फल भोगना पड़ा, जो पिछला किया था आज मिल गया। तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो आज के आज ही हमें मिल जाते हैं हाथों हाथ, कुछ पिछले जन्म का आज, आज का कल। अब आप कहेंगे तो ये चक्कर चलता रहेगा, हाँ तब तक चलेगा, कब तक, कबीर दास जी कह रहे हैं चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोए, पुनरपि आद्य शंकराचार्य जी कह रहे हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जन्म मृत्यु चल रहा सब पिस रहे हैं, बोले कैसे बचेगा, बोले भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, यदि कोई भगवान की शरण में चला गया तो वो जन्म और मृत्यु के चक्कर से बच जाएगा। इसलिए कथाएँ कीर्तन भगवान की शरणागति,
जब कबीरदास जी रोने लगे, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए रोने लगे, तो उनके पुत्र ने पूछा, कमाल, कबीरदास जी के पुत्र का नाम था कमाल, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? पिता ने कहा, बेटा सब लोग जन्म लेके मर रहे हैं, सब अपना भोग भोग रहे हैं, कैसे इनका उद्धार होगा? तब कमाल ने कहा, चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, कीले माही जो रहे बाल ना बाका होए। वो चक्की में कील होती है ना बीच में, उस एक में पहिया दूसरा फंसा रहता है, उस एक के पास जो गेहूं चला जाता है, कितना भी चले चक्की वो दाना नहीं पिसता जो एक के पास होता है। उसी प्रकार जो एक परमात्मा की शरण में रहेगा वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएगा, सदा भगवान के धाम को चला जाएगा। स्वामी जी, संतुष्टि हमको नहीं हुई, हम कर क्या रहे हैं? आपने सीता जी को उदाहरण दे दिया, ठीक है, सीता जी ने ऐसा गलत काम किया उनको भोगना पड़ा, ठीक है, गलत काम किया उनको भोगना पड़ा, ठीक है। हम जो है आप यहाँ थोड़ा बुरा मत मानना, हम कर क्या रहे हैं? हम अपने पिछले जन्म के कर्मों को भोग रहे हैं। हाँ, भोग रहे हैं। हाँ, तो फिर मैं कर क्या रहा हूँ? भोग रहे हैं, भोग तो रहे हैं। अब अच्छा जो आज करेंगे वो आगे आपको मिल जाएगा, बुरा करेंगे वो भी आगे मिलेगा। और यदि समर्पण भगवान के चरणों में अपना पाप पुण्य, प्रभु मैं आपका हूँ, मैं आपको कभी भूलू नहीं, यदि अपने आप को उठा के भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे तो पाप पुण्य दोनों से बच के मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, भगवत धाम मिलेगा। ये सार तत्व है। आप कह रहे हैं प्रेजेंट में हम, वर्तमान में हम क्या भोग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रेजेंट में क्या कर रहा हूँ, आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं? आप और हमने अपने कर्मों का ये फल भोग रहे हैं। आपके कर्मों में वृंदावन का दाना पानी लिखा था तो आप यहाँ आ गए अपना खाने पीने के। ये मेरे पिछले जन्म का संस्कार था। नहीं, हमारी आपकी पूरी हिस्ट्री, हमारी पूरी कहानी लिखी हुई है, किस तारीख को आपको कहाँ जाना है, क्या जाके क्या बोलना है, क्या करना है, ये पहले से तय है। तो है। आप पहले से जो तय था, अच्छा तय कहाँ से हुआ? आपके कर्मों को देखकर, पिछले जन्म जब आपका यमराज के पास, जब आप पिछली बार मरे होंगे ना, और मर के जब यमराज के पास गए होंगे तो आगे जन्म की पूरी आपकी कहानी लिख दी जा चुकी होगी कि आप अगले जन्म में अब मनुष्य बन के जाएंगे, आज फलानी तारीख को आप जाके अनिरुद्धाचार्य जी से ये सवाल करेंगे, ये उत्तर मिलेगा, इसके बाद आप यहाँ जाएंगे, यहाँ खाएंगे, ये पानी पिएंगे, सब कुछ लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि पिछले जन्म के हिसाब से आपका ये लिखा गया है ना। अब यदि समर्पण कर दोगे भगवान में तो ये सब कुछ डिलीट हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, जन्म मृत्यु से खत्म। अब जो कुछ करें हम भगवान को समर्पण कर दें। हाँ, इसलिए कहता हूँ, तुदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, जो भी अच्छा करो, जो भी करो, हम तो कहते हैं कर्म नहीं, अपने आप को उठाओ और भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दो, तो अपने आप अच्छे बुरे कर्म सब चले जाएंगे, फिर मोक्ष होगा। स्वामी जी, छोटा सा प्रश्न और। जी, हम आपकी कथा से प्रभावित बहुत हुए हैं, हम लोग यहाँ पर पोथी पाठ बैठवाना चाहते हैं। ठीक है, दो सदस्य आए हुए हैं। अब थोड़ा सा मेरा कुछ अटपटा प्रश्न यह है कि हम जब ब्राह्मणों को बुलाते हैं तो पहले उनकी चेकिंग करते हैं। ठीक है, ये मंत्र को उच्चारण कर सुनाओ हमको। हाँ। ब्राह्मण को कुछ को मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग अशुद्ध मंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम आपकी फेस पर पोथी पाठ बैठाने के लिए आया हुआ हूँ। ठीक है, हम बैठा रहे हैं आपके फेस पर। ठीक है, अब आपके जो ब्राह्मण हैं वो कैसे करते हैं ना जी? यहाँ सुनिए, मैं आपकी बात कैसे हो? आपकी बात रोक रहा हूँ। हाँ। यहाँ पर क्षमा कीजिएगा, यहाँ पर जितने ब्राह्मण पोथी पाठ करते हैं पहले उन ब्राह्मणों का यहाँ विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा पूरा टेस्ट होता है। पूरा आप यहाँ देखेंगे, कथा होने के 3 दिन पहले से ब्राह्मणों का परीक्षण चालू होता है। सभी ब्राह्मणों से संध्या पूछी जाती है, संकल्प पूछा जाता है, और भागवत जी पूछी जाती है, ये वाला श्लोक सुनाइए, ये वाला, पूरा शुरू से अंत तक कोई भी पन्ना खोल के दिया जा सकता, कोई भी श्लोक। पर ब्राह्मण जितने यहाँ बैठे हैं आप भी आ जाइएगा, और यहाँ 200-300 जो भी ब्राह्मण बैठे हैं आप किसी को भी खड़ा कर लीजिएगा, वो बिल्कुल धारा प्रवाह पाठ करने वाले हैं तो ही यहाँ बैठते हैं।
यहाँ 1000 ब्राह्मण आते हैं नाम लिखाने, उन 1000 में केवल 200-250 ब्राह्मणों का नाम लिखा जाता है, क्योंकि बाकी लोग उस योग्य नहीं होते। जो योग्य हैं, जो पढ़ सकते हैं, जो कर सकते हैं, आप लोग विश्वास करते हैं इस फेस पर, तो ये हमारी परम जिम्मेदारी है कि हम आप लोगों का विशेष ध्यान रखें और आपकी भावनाओं को ठेस ना लगे इसका पूरा ख्याल रखते हैं। एक छोटा सा प्रश्न आपके पक्ष में है। जी, ये पक्ष है कि देखो, हर व्यक्ति एक समान नहीं होता है, हर समाज एक समान नहीं होता है। जी, हम इसलिए कह रहे हैं, आपने कई बार कहा जब कोई हमारी गलती हो तो आप लोग बता दिया करो। जी, तो ये गलती हम लोग डिस्कस किए हैं, जो आप थोड़ी सी क्या है, जो मैं मन भावना है। जी, आप फिल्मी वालों की बड़ी शिकायत करते हैं। ठीक है, फिल्मी वालों में भी कुछ ऐसे होंगे जो तमाम दान धर्म करते होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो कि जो है पुण्य कार्य करते होंगे, लेकिन किसी एक व्यक्ति का नाम पूरे समाज का आप नाम लेते हैं, ये कैसा है, ये हमको उत्तर मत दो, वो समझना अपने आत्मा से आप। ठीक है, दूसरा प्रश्न मेरा ये है। जी, देखो हमारे मान लो पिताजी हैं, शराब पी रहे हैं या निकृष्ट कर्म कर रहे हैं, अगर वो बीमार होते हैं तो मैं उनका इलाज कराऊंगा। ठीक, लेकिन कई बार ये कह चुके हो कि ऐसे जो हैं उनको डंपर में भरो, हरिद्वार में डाल दीजिए, ये आप उनको उत्तर मत दीजिए, लेकिन ये मेरा प्रश्न जायज है या नाजायज है, ये आप समझना, ये मेरी दो आपसे आपकी विषय। नहीं नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। होता ये है कि हम कुछ कड़वे शब्द इसलिए प्रयोग करते हैं, क्योंकि कड़वी दवाई शायद बदल दे समाज को, इसलिए जानकर हमें पता है कि ये उपयोगी शब्द नहीं है, फिर भी करते हैं इसलिए कि शायद बदलाव हो, शायद हथौड़ा जोर से इसलिए मारा जाता है कि पत्थर टूट जाए, उसी प्रकार कि थोड़ी तो शर्म लगे लोगों को कि ना पिए भाई, थोड़ी तो लगे कि हाँ हमें बदलना चाहिए, हमें सुधरना चाहिए, इसलिए ना चाह करके भी हम कड़वे शब्दों का प्रयोग करते हैं, पर आपने याद दिलाया, उसके लिए धन्यवाद आपका, मैं पूरी कोशिश करूंगा सुधारने की। मन भावना, बिल्कुल बिल्कुल, खुश रहिए, खुश रहिए, अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद आपका।